वेलकम एवरीवन। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग के सामने क्वेश्चन पेपर आया है जो कि वीव्यू का है। ठीक है, वीव्यू और जो पेपर 14 है सेमेस्टर 6 का, सेशन जो है वो 21 से 24 सेशन में दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम 3 आवर का दिया गया है। मैथमेटिक्स ऑनर्स क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, मैथ्स लिखा हुआ देख रहे हैं 14, एंड टोटल मार्क्सिंग जो है वो 80 का रहता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो रहता है कंपलसरी रहता है, 10 क्वेश्चन रहेगा, 2 2 मार्क्स का, 20 मार्क्स आपको इजिली मिल जाएगा, एंड एनी अदर 4 क्वेश्चन कोई भी करनी होगी। ठीक है, लॉन्ग में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे है, इफ वी ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस से यहाँ से क्वेश्चन आती है वी व्यू में, एंड देन प्रूव दैट दिस इज क्या है कि ए मल्टीप्लाई विद जीरो, ये जो पॉइंट है ना वो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो ए पॉइंट विद जीरो इक्वल टू जीरो और ए बिलोंग्स टू एफ एंड जीरो बिलोंग्स टू वी। ये हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए हुए थे कि इस टाइप से हमारा जो होता है एप्लीकेशन होती है। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है जो कि प्रूफ करना रहता है। ठीक, देन उसके बाद बी नंबर है डिफाइन लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फैक्टर। ठीक, फिर डिफाइन रैंक एंड नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन उसके बाद डिफाइन डायरेक्ट सम, डिफाइन डुअल स्पेस एंड डुअल बेसिस। तो ये सब सारे क्या होते हैं, डिफिनेशंस आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, सॉरी ज्यादातर पेपर्स में सारे डिफिनेशंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी पेपर जो हमारा होगा DSE 3 का उसमें डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है। तो इसमें हमारा जो 5 क्वेश्चन हुआ जो कि डिफिनेशन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट अदर 5 क्वेश्चन देखते हैं वो क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे भी डिफिनेशन ही पूछा गया है कि कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, उसकी डिफिनेशन लिखनी होगी, स्टेटमेंट द डिफिनेशन होता है। देन जी नंबर में भी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर फंक्शन एंड लीनियर ऑपरेटर, तीनों के बीच का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करनी होगी, तीनों को दिखानी होगी डिफरेंस। एच नंबर में स्टेट बेसल्स इनइक्वालिटीज, देन आई नंबर में है ए एन जो है वो नॉर्मल है एंड अल्फा इज स्केलर, देन प्रूव दैट अल्फा एन इज ऑल्सो नॉर्मल होगा। देन जे नंबर में भी प्रूव एंड प्रूव दैट जीरो एंड आइडेंटिटीज ऑपरेटर्स आर सेल्फ एडजॉइंट होता है। देन उसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, वो 2 में ए बी दोनों बनानी पड़ती है तब जाके आपको 20 मार्क्स मिलेगा। एक बनाएंगे तो वो काउंट सिर्फ ओनली 1 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, उसमें 10 ही मार्क्स आपको मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब स्पेस ऑफ अ वैक्टर स्पेस इज ऑल्सो अ सब स्पेस ऑफ वी। ये हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए हुए थे, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम अपलोड किए हैं विद सॉल्यूशन के साथ, तो उसमें हम ये क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, जो कि आया हुआ है एग्जाम में। देन बी नंबर का भी क्वेश्चन हम दिए हुए थे, W1 W2 R2 सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, देन देयर लीनियर सम जो होगा, दोनों सब स्पेस का लीनियर सम करेंगे तो भी क्या होगा, सब स्पेस होगा। देन उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर में, तो सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स जो कि कुछ यू एन तक है वह वेक्टर स्पेस वी ओवर एन इज लीनियर डिपेंडेंट डी है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ सम दिस वन, ये कुछ कंडीशन है, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वंस, ये पूछा गया है। देन बी नंबर में आते हैं प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो 3 नंबर का हम ये नहीं दिए हुए थे इंपॉर्टेंस में, ओनली फॉर 2 नंबर का दिए हुए था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 4 नंबर का है। तो 4th नंबर में पूछा गया इफ यू इज अ सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, देन डायमेंशन ऑफ वी दिस वन, ये भी हम क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, तो ये हमारा 4 का A नंबर। देन बी नंबर भी है प्रूव दैट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इन इन्वर्टिबल इफ एंड ऑल टी इज नॉन सिंगुलर, ये एक्चुअली में नहीं दिए हुए थे शायद। तो बट क्या है कि ये सब मीन्स क्या हो गया कि ये हमारा आ गया फाइनाइट डायमेंशनल से और ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, मतलब अलग अलग चैप्टर से दो हमारा क्वेश्चन, मतलब सिंगल एक क्वेश्चन बना दिया गया है। ठीक, देन उसके बाद आते हैं 5th नंबर में। 5th नंबर में क्वेश्चन क्या है, तो लेट V1 V2 VN बी अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, देन ये जो है वो हमारा साई का साइन है। ठीक है, फाई नहीं है, साई है। दिस वन बिलोंग्स टू वी स्टार विद अ लीनियर फंक्शन डिफाइन बाय, कुछ इस तरीके से डिफाइन आपको करनी होगी। तो साई की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, बट इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। वन जो होगा इफ आई इक्वल टू जे होगा तो, जीरो होगा आई डज नॉट इक्वल टू जे। ठीक, देन शायद ये हम दिए हुए हैं वी स्टार वाला जो है ना क्वेश्चन, ये हम इंपॉर्टेंट में दिए हुए थे। सो दैट द सेट दिस वन, ये इस तरीके से कुछ सेट है कंसिस्ट ऑफ बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस आर 3 ओवर R, इसे दिखाना है वेक्टर स्पेस होगा। देन 6th नंबर में है W बी सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, सो दैट दिस वन,
ये एक्चुअली में शायद नहीं, एनिलेटर ऑफ डब्ल्यू, हाँ एनिलेटर का भी क्वेश्चन हम दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट में, ठीक है। तो ये 6 नंबर तक क्वेश्चन हो गया हमारा, अब 7 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देन अब देख लेते हैं 6 का B है, जो कि है इफ डब्ल्यू बी एस सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी ओवर के लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एफ भी हो सकता है, के भी हो सकता है। देन प्रूव दैट दिखाना है डब्ल्यू इक्वल टू क्या, डब्ल्यू का ऊपर क्या है वहां पे पावर में डबल ओ, मतलब डब्ल्यू का कम्प्लीमेंट, तो डबल कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो डबल कम्प्लीमेंट करने के बाद फिर क्या हो जाता है, वही आ जाता है। अगर आप देखिए कोई भी सिंगल एलिमेंट्स का अगर कम्प्लीमेंट करते हैं तो कम्प्लीमेंट हुआ, वही कम्प्लीमेंट का फिर कम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमारा डबल मतलब नॉर्मल आ जाता है, मतलब नॉर्मल एलिमेंट्स बोल सकते हैं, हो जाता है, ठीक। देन उसके बाद 7 का A है, डिफाइन लीनियर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव दैट दिस वन। तो ये भी हम दिए हुए थे शायद, बी इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड एक्स एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्चुअली मैं ये सब हम ट्यूशन में करवाते थे, जब हम ट्यूशन पढ़ाते थे ये सब सारा हम करवाते थे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 7 का A, देन डिफाइन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट एस इन अ हिल्बर्ट स्पेस एच, प्रूव दैट दिस वन S1 S2 एंड नन एम्प्टी सबसेट एच दिस वन दिस। देन 7 का A B हो गया। देन 8 नंबर में जो है वो ए क्या दिया हुआ है, तो प्रॉपर्टीज दी हुई है, देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज है टी इन हिल्बर्ट स्पेस एच का। तो ये प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ करना होगा, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। देन लास्ट में है 8 का B, जो डिफाइन नॉर्मल ऑपरेटर है इन अ हिल्बर्ट स्पेस का एच एंड प्रूव दैट दिस टी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ, क्या है कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देखिए ये पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। तो 8 का A और B तो इजी था, बट अगर आप लोग तो करके गए होंगे तो बना सकते हैं, नहीं करके गए होंगे तो नहीं बना पाएंगे। तो इसी तरीके से पेपर 13 भी अपलोड है, और सारे पेपर मैं अपलोड कर दूंगी वीव्यू का भी। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ प्रोवाइड किया जाता है विद सॉल्यूशन के साथ भी, तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय।